कॉफी पीने का मन हो रहा है, बाहर चल के पी। चलो अच्छा है, बचा लिए बाहर के 500 रुपए, 600 रुपए खर्च करने से अच्छा घर पे कैपेचिनो बना के पियेंगे हम लोग। पैसा ही पैसा हो गया। शाबाश बेटा। Hi guys, I'm Lata Sabharwal. और आपकी डिमांड पे एक बार फिर से हम लोग वापस आ गए हैं, नॉट एज वर्षा एंड राजश्री बट एज लता एंड पूजा। और मैं शेयर करने जा रही हूँ आपके साथ अपनी फेवरेट कैपेचिनो की रेसिपी की, मैं घर पे कैसे बनाती हूँ फटाफट वाली कैपेचिनो। तो मैंने पूजा को बोला, पूजा आ जाओ हम लोग साथ में पियेंगे। और कैपेचिनो मेरी मम्मा की बहुत फेवरेट है। जब बोलती हैं कि मन कर रहा है पीने का, मैं बोलती हूँ बाहर ले चलो, लेकिन पता है ना मम्मी का हमेशा ही बोलेगी अरे घर पे बना लेते हैं, चलो छोड़ो अगली बार चले जाएंगे। तो मैंने सोचा कि चलो उनको अंदर बिठाया हमने, बाहर बिल्कुल नहीं आने दे रहे, हम किचन में चलते हैं और फटाफट जो है कैपेचिनो। और एक बात फ्रेंड्स, लेकिन अगर हम वर्षा राजश्री होते तो हम कैसे बोलते? कॉफी पीने का मन हो रहा है, बाहर चल के पी। बाहर क्यों जाना है बेटा, देख मैं घर में तुझे कैसे फटाफट बढ़िया से कैपेचिनो बना के पिलाती हूँ। चलें किचन में? चलिए आ जा। तो फ्रेंड्स, कैपेचिनो घर पे अगर बनानी है आपको तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है मिल्क, और मिल्क बिल्कुल अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। तो पूजा पता है मैं क्या करती हूँ, मैं तो एकदम जो फार्म फ्रेश मिल्क होता है ना, जो प्रोसेस नहीं होता या बिल्कुल मिनिमली प्रोसेस होता है, वही यूज करती हूँ। लेकिन ऐसा दूध मिलता कहाँ है आजकल? मिलता है, मैं बताती हूँ ना, इनफैक्ट मैं तो फर्क भी बता सकती हूँ कौन सा प्रोसेस्ड मिल्क है और कौन सा मिनिमली प्रोसेस्ड मिल्क है। अच्छा, लेकिन ये मिनिमली प्रोसेस्ड मिल्क होता क्या है? फ्रेंड्स आपको भी बता देती हूँ कि मिनिमली प्रोसेस्ड मिल्क मतलब जो मिल्क हम तक सिर्फ फिल्ट्रेशन के बाद या हीटिंग के बाद पहुंचाया जाता है, मतलब प्योर मिल्क में कोई और प्रोसेसिंग वगैरह नहीं होती। मैं दिखाती हूँ अभी तुझे, ये देख, ये देख, ये कंट्री डिलाइट का है मिनिमली प्रोसेस्ड मिल्क। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि मैं भी आजकल जो है वो कंट्री डिलाइट का ये मिनिमली प्रोसेस्ड मिल्क जो है ये इस्तेमाल कर रही हूँ। देख कलर कितना अच्छा है, तो ये जो येलो येलो कलर दिख रहा है ना, येलो कलर जब दिखे तो इसका मतलब ये होता है कि ये प्योर काओ मिल्क है। और मलाई देख रही है, इतनी थिक मलाई आई हुई है इसके ऊपर। तुझे याद है कुछ टाइम पहले मैंने बताया था ना कि मुझे दूध सूट ही नहीं कर रहा है। फ्रेंड्स आपसे भी शेयर की थी मैंने बात की नहीं सूट कर रहा है, तो मैंने अपने डॉक्टर से जब कंसल्ट किया तो उन्होंने ये बताया कि दूध आजकल हमें इसलिए नहीं सूट करता क्योंकि प्योर दूध होता ही नहीं है। अगर प्योर मिलेगा तो हमारा इंडियन ट्रेडिशन है, हम इतने सालों से दूध पीते आ रहे हैं, ऐसा हो नहीं सकता नहीं सूट करे। तो ये मैं ऑन एंड ऑफ पी रही हूँ, तो टच वुड मुझे अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं आया, इट रियली सूटेड मी। हाँ, पनीर भी अच्छा निकला इनफैक्ट इसका। अच्छा आप मुझे एक बात बताओ, ये कंट्री डिलाइट हम तक फ्रेश दूध कैसे पहुँचाता है? आई एम श्योर फ्रेंड्स आपके मन में भी सवाल होगा कि कंट्री डिलाइट फ्रेश दूध कैसे पहुंचाता है। तो क्या होता है कि ये जो दूध आता है ना कंट्री डिलाइट का, वो हमारे आसपास जो फार्म्स है ना वहीं से आता है, कहीं बहुत दूर से नहीं आता है। अच्छा। तो जब आसपास के फार्म से आता है तो इसमें जो है प्रोसेसिंग वगैरह की कोई जरूरत नहीं पड़ती है, और मिल्किंग के कुछ घंटे के बाद ये पहुंचा देते हैं, इसलिए जो है इसमें प्रिजर्वेटिव भी नहीं ऐड करने पड़ते हैं। अच्छा, ये बात है। तो फ्रेंड्स अब आप भी कंट्री डिलाइट के फार्म फ्रेश प्रोडक्ट्स आराम से ऑर्डर कर सकते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू तू भी ऑर्डर कर सकती है। अरे वाह, ये तो बड़ा आसान है। हाँ, बहुत इजी है ना। हाँ। एंड आपको कुछ नहीं करना, बस मैं लिंक वगैरह सब नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, आपको उसको टैप करना है और व्हाट्सएप से आप अपना ऑर्डर आराम से प्लेस कर सकते हैं। इट्स सो सिंपल, ट्राई करना जरूर है ना। तो कैपेचिनो के लिए हमें चाहिए कोई भी मिक्सर, या फिर आप छोटा मिक्सर भी ले सकते हैं, और साथ में कोई भी इंस्टेंट कॉफी जो अवेलेबल हो वो। अच्छा वैसे मैंने ना कंट्री डिलाइट के फाउंडर से भी बात की थी, तो मुझे पता चला कि जो सप्लाई चेन है ना वो भी इनकी खुद की है, इसलिए देयर इज नो मिडिल मैन, मतलब गुंजाइश ही नहीं है कि कोई मिलावट करे उसमें। दैट्स वेरी नाइस। चल मलाई उतार देती हूँ पहले। अब सबसे पहले जो है मैं मिक्सर में डालने जा रही हूँ थोड़ा सा पानी, बस इतना सा पानी काफी है, बहुत ज्यादा भी नहीं। मैंने एक चीज देखी है, लोग ना कपड़ों पे, लिपस्टिक्स पे और बाकी बहुत चीजों पे कई बार खर्च करने में नहीं सोचते हैं, लेकिन जब अपनी हेल्थ की बात आती है ना तो कई बार कंजूसी कर जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, हाँ मैं ये बोलती हूँ कि चलो आप भले बाहर कैफे में जाके 500 600 रुपए की कॉफी मत पियो, लेकिन जो चीज जरूरी है, जो बेसिक है हमारा फूड, उस पर तो हमें इन्वेस्ट करना ही चाहिए। मतलब जितना हो सके हमें जो है ना बेस्ट क्वालिटी का लेना ही चाहिए, चाहे वो दूध हो, चाहे वो अनाज हो, कुछ भी हो, वी शुड
ट्राई टू कंज्यूम जितना भी अच्छा मिल पाए उतना लेना ही चाहिए. अच्छा, इसमें अब हम डाल देंगे शुगर और कॉफी. तो मतलब अगर चार लोगों के लिए बनाना है तो हम तो एक एक चम्मच ही लेते हैं. तो फ्रेंड्स, जितने कप कॉफी हम बना रहे हैं ना उतनी जो है कॉफी डाल देंगे हम. जैसे मैं बना रही हूँ 3 कप, और अगर थोड़ी एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग चाहिए तो एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग भी रख सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर विश. अगर आप लोग लाइट पीते हैं तो उसी हिसाब से कॉफी डालिएगा. एंड देन शुगर जितनी चाहिए उतनी. लेकिन हाँ, ये कहूँगी कि कैपेचिनो जो है ना बहुत फीकी सी अच्छी नहीं लगती है. थोड़ी सी ठीक ठाक मीठा होना तो ही मज़ा आता है. तो ये तो आज डल गए अच्छे से चीनी के 4-5 चम्मच. तो अभी हम इसे मिक्स करेंगे, तब तक हम गैस पे दूध रख देते हैं गर्म होने के लिए. ये देखिए ये कितना अच्छा फ्रॉथ आ गया है. अभी इसमें दूध नहीं डाला है, सिर्फ पानी, कॉफी और चीनी है. मतलब हाथ से बीट करने के बजाय ये आसान तरीका है. और अब इसे हम लेंगे और थोड़ा थोड़ा डाल देंगे जितने कप्स में भी डिवाइड करना है उसमें. फ्रेंड्स, आई एम श्योर आप भी ट्राई करना चाहेंगे कंट्री डिलाइट का दूध. तो मैं जो भी लिंक्स वगैरह होंगे, अगर कोई उस टाइम डील्स भी होंगे, जो कुछ भी होगा ना, सारी डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप जरूर चेक कीजिएगा. और हाँ, अगर आपको मेरा वीडियो यूजफुल लग रहा है, अच्छा लग रहा है, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कॉमेंट कीजिए, बेल आइकन जरूर ऑन कीजिए. और आप मुझे बहुत सारे मोटिवेशनल स्टफ के लिए इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं. फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट स्टेप है ना वो ये है कि हम हर एक कप को सिर्फ 10 सेकंड के लिए, ओनली फॉर 10 सेकंड्स हम माइक्रोवेव में घुमा लेंगे. और दूसरा ऑप्शन ये है कि दूध कई लोग ज़्यादा गर्म इस पे डालना पसंद करते हैं, ऐसे ही छोड़ देते हैं इसे. बट हाँ, कभी कभी वो उसमें क्या होता है, कॉफ़ी फटने के चांसेस होते हैं. सो आई प्रेफर कि 10 सेकंड तक माइक्रोवेव में घुमा लें. चल पूछा कर दे ज़रा. अब बस इस पे हम डाल देंगे फ्रेश ताज़ा मिल्क. गरम गरम, वाओ, लुक एट दिस, कॉफी तैयार है. ये लीजिए सरप्राइज, हम लोग ने घर पे कैपेचिनो बना दी. सुंदर लग रही कॉफी है. पहले आप लोग मुझे ले, चलो पी के देखो ना, टेस्ट देखो कैसा है. कैसा टेस्ट है? है ना? नहीं फर्क पड़ रहा ना? चलो अच्छा है, बचा लिए बाहर के 500 रुपए, 600 रुपए खर्च करने. अच्छा, घर पे कैपेचिनो बना के पियेंगे हम लोग. पैसा ही पैसा हो गया. शाबाश बेटा. इसलिए बहुत टेस्टी है क्योंकि मैंने दूध वो वाला नहीं यूज किया था जो आपने फ्रिज में ऑलरेडी रखा था. ये वो दूसरा वाला जो लाई थी ना मैं कंट्री डिलाइट का, वो वाले मिल्क से बनाई है ये. नहीं नहीं कहाँ पतला था, मलाई देखी थी ना आपने उसकी? नहीं आपने नहीं देखी थी शायद, मैंने अभी निकाली ना मलाई, कितनी मोटी देखा पूछा, कितनी अच्छी थी मलाई निकली थी. चलो अच्छा है, एंजॉय करो. हाँ मैं समझ गई थी, पूजा ने जो है मम्मी के मन का सवाल पढ़ लिया कि महंगा तो नहीं है. हाँ तो ये मम्मी के मन में चलता है ना, महंगा होगा, कितने का होगा, नहीं महंगा भी ज़्यादा नहीं है. और एक बात वैसे भी मुझे ऐसा लगता है फ्रेंड्स, आपसे भी बोलूँगी कि दवाइयों पे खर्च करने से अच्छा है ना थोड़ा अच्छा खाना पीना कर लेते हैं, उसी से हम ठीक रहेंगे. तो कोई टेंशन नहीं है. अच्छा, आपको भी रिमाइंड करा दूँ कि आप कंट्री डिलाइट के फार्म फ्रेश प्रोडक्ट्स ले सकते हैं आराम से, व्हाट्सएप से भी ऑर्डर कर सकते हैं, नीचे सब लिंक वगैरह दिया हुआ है. ओके फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा देन कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा. पूजा हमारे साथ आती रहेगी क्योंकि आप लोग इसे बहुत प्यार करते हो. एंड पूजा तू बोल दे आज लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब के लिए. थैंक यू फ्रेंड्स. ओके बाय, लव यू ऑल, बाय, लेट्स एंजॉय कॉफी.